वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशंस स्टार्ट करेंगे। तो CRUD ऑपरेशंस में सबसे पहले हम सी कवर करेंगे। तो सी है क्रिएट और इंसर्ट द डॉक्यूमेंट इनसाइड द कलेक्शन। तो इस वीडियो में हम इंसर्ट मेथड्स कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे इंसर्ट वन है, इंसर्ट है एंड इंसर्ट मेनी है। तो लेट्स सी। ओके, तो गाइस जैसा कि हमें पता है कि MongoDB डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं और हर कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे RDBMS में टेबल के अंदर मल्टीपल रोज होती है, तो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो भी CRUD ऑपरेशंस है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। मीन्स लाइक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना एंड डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, राइट। तो एंड डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करना। तो ये CRUD ऑपरेशंस हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक बीसन टाइप होता है, एंड बीसन होता है बाइनरी फॉर्म ऑफ जेसन। एंड बीसन के अंदर एडिशनल डेटा टाइप्स होते हैं कंपेयर टू जेसन। सो बीसन के अंदर हम जैसे वैल्यूज अब की एंड वैल्यू के पेयर में देते हैं, और जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेम डिस्कस किया था। और ऑलवेज जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे और अपडेट करेंगे, और जो हमें डेटा रिट्राई होके जब दिखेगा और डेटा हम जब डिलीट करेंगे, तो ये ऑलवेज इस फॉर्म में ही हमें डेटा दिखेगा। मीन्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ बीसन। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास में है इंसर्ट वन। तो इंसर्ट वन में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हमें कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम ओनली एक ही डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स ही रहता है db डॉट कलेक्शन का नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक कलेक्शन बनाता हूँ डॉट इंसर्ट वन, देन इंसर्ट वन के अंदर एक डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट हम इस इंसर्ट वन मेथड के अंदर पास करेंगे। तो ये होगा इसका सिंटैक्स। और समटाइम्स अगर कुछ लोग गलती से हम ऐसे भी करते हैं कि दो डॉक्यूमेंट देने का ट्राई करते हैं, तो इस केस में क्या रहता है कि एरर तो नहीं आती है, बट ये जो सेकंड डॉक्यूमेंट होता है वो इंसर्ट नहीं होता है। तो हम इंसर्ट करके देखते हैं एक डॉक्यूमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिया जैसे स्टूडेंट नंबर, तो मैंने दे दिया स्टूडेंट नंबर वन। और फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दूंगा, फॉर एग्जांपल दे दिया सॉरी, देन उसके बाद में उसका सपोज मैंने दे दिया डिपार्टमेंट दे दिया, देन डिपार्टमेंट में भी IT। ओके, तो एक मैंने एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं इंसर्ट करता हूँ, तो MongoDB में लॉगिन करते हैं। मुझे ये इंसर्ट करना है RameshDB के अंदर, तो मैंने RameshDB में लॉगिन किया। अभी मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट कलेक्शन है क्या। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट कलेक्शन नहीं है। तो अगर मैं अभी इसको इंसर्ट करता हूँ पर्टिकुलर रिकॉर्ड सॉरी डॉक्यूमेंट इनसाइड स्टूडेंट कलेक्शन, तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट कलेक्शन को क्रिएट करेगा और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। तो सी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे है कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, और एक ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट ID। तो वो ऑब्जेक्ट ID होता है एक अंडरस्कोर ID की वैल्यू होती है। तो वो देखते हैं अंडरस्कोर ID क्या होता है। यहाँ पे db.student.find, तो फाइंड मेथड की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स या कलेक्शन के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था वो इन्फॉर्मेशन है, एंड एडिशनल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक एडिशनल फील्ड है और फील्ड का नेम है _ID, और उस फील्ड की वैल्यू है कुछ ऑब्जेक्ट ID है, जो एक बीसन ऑब्जेक्ट ID है। तो इसमें एक्चुअली ये _ID MongoDB खुद से इंसर्ट करता है ये फील्ड, और ये फील्ड एक यूनिक
आइडेंटिटी के लिए रहता है फॉर लाइक इन बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। तो हर एक डॉक्यूमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी अंडरस्कोर आईडी से होती है। तो अगर अगर आपने अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू इंसर्ट नहीं किया तो उस केस में क्या रहता है कि मोंगोडीबी खुद से एक अंडरस्कोर आईडी फील्ड ऐड कर देता है डॉक्यूमेंट के साथ में। तो अगर इसमें और थोड़ा फर्दर इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पे जो आईडी फील्ड होता है, तो आईडी फील्ड होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है यहाँ पे जो हमें रिटर्न होता है या फिर डॉक्यूमेंट के साथ में जब इंसर्ट होता है, तो इस ये जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है इसमें टोटल 12 बाइट्स होते हैं, 12 बाइट्स होते हैं। दिस ऑब्जेक्ट आईडी कंटेन्स लाइक 12 बाइट्स। तो 12 बाइट्स के अंदर फर्स्ट 4 बाइट जो होते हैं वो होता है टाइम स्टैम्प, एंड नेक्स्ट 3 जो बाइट होते हैं वो होते हैं मशीन आईडी और मशीन आइडेंटिफायर कि ये जो आपका इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो ये कौन सी मशीन से हुआ है। नेक्स्ट 2 जो बाइट होते हैं वो होता है प्रोसेस आईडी का कि जिस सेशन से आपने कनेक्ट किया है वो सेशन कौन सी प्रोसेस आईडी से बिलोंग करता है। एंड लास्ट 3 जो बाइट्स होते हैं वो एक इंक्रीमेंटल नंबर होता है, यूनिक इंक्रीमेंटल नंबर होता है। तो तो यहाँ पे देखने में हमें एक ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट आईडी इंटरनली ये सब वैल्यूज़ मेंटेन करती है। तो ये सब वैल्यूज़ हम देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक इनबिल्ट फंक्शंस। सो इनबिल्ट फंक्शंस की हेल्प से हम ये सब वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो अभी मैंने जब इंसर्ट किया रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी नहीं दिया, तो इस केस में क्या हुआ मोंगोडीबी ने खुद ने आईडी इंसर्ट कर दिया एंड इसमें एक वैल्यू भी डाल दिया जो एक ऑब्जेक्ट आईडी है। तो अगर मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यू देता हूँ तो आप वैल्यू खुद से भी दे सकते हो। अगर आप जब वैल्यू देते हो अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू तो उस केस में मोंगोडी भी नहीं इंसर्ट करता है। तो आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैंने एक अजीब सी वैल्यू दिया, या तो स्टूडेंट नंबर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल अमित, एंड यहाँ मैंने दे दिया सी एस। ओह या तो सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। देन एक बार क्वेरी करके देखता हूँ, या सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 की जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने दिया है वो यहाँ पे है और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी भी वही है जो हमने दिया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मोंगोडीबी देता है वो आईडी नहीं है, ये आईडी जो हमने दिया वो है। तो इट मीन्स अगर अंडरस्कोर आईडी फील्ड आप डॉक्यूमेंट के साथ इंसर्ट करवाते हो तो वो आईडी की वैल्यू जो आप देते हो वही रहती है, और अगर आपने अंडरस्कोर आईडी फील्ड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड नहीं किया तो मोंगोडीबी खुद से ये फील्ड इंक्लूड कर देता है और उसकी एक यूनिक वैल्यू खुद से जनरेट करता है। तो ये डिफरेंस है अंडरस्कोर आईडी आप अगर नहीं देते हो तो, और जब आप वैल्यू देते हो तो। एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप अंडरस्कोर आईडी वैल्यू देते हो तो उस केस में क्या रहता है कि जो हमने ये वैल्यूज डिस्कस किया था टाइम स्टैम्प मशीन आइडेंटिफायर एंड प्रोसेस आईडी यूनिक नंबर इंक्रीमेंटल नंबर, तो ये एक तरह से मेटा डेटा का भी काम करता है। मेटा डेटा मीन्स लाइक आपने जो ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो इस रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लाइक ये रिकॉर्ड कब इंसर्ट हुआ, कौन सी मशीन से इंसर्ट हुआ, उसका प्रोसेस आईडी क्या था और ऐसे यूनिक नंबर क्या साइन हुआ था, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी मोंगोडीबी लाइक स्टोर करके रखता है एज ए मेटा डेटा। बट अगर आपने जब अंडरस्कोर आईडी दिया तो उस केस में यहाँ पे वो सब वैल्यूज़ हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि
वो वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगी, वो ओनली तभी अवेलेबल रहती है जब मोंगो डीबी खुद ये अंडरस्कोर आईडी इंसर्ट करता है। तो ये डिफरेंस है कि अगर अंडरस्कोर आईडी आपने दिया या फिर मोंगो डीबी ने इंसर्ट किया। तो ये हो गया इंसर्ट वन मेथड। इंसर्ट वन मेथड में इतना ही है। एंड या अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट दे दिया तो उस केस में क्या रहता है कि ये फॉर एग्जांपल मैं ये रिकॉर्ड ही ले लेता हूँ। तो मैंने दिया यहाँ पे 3 एंड कुछ आईडी, लेट्स लाइक डोंट मेंशन द आईडी, ओके। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट और इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो स्टूडेंट नंबर 3 एंड 4 और कुछ एग्जांपल XYZ नेम ABC, ओके। या सो इंसर्टेड। बट अभी मैं अगर ये फाइंड करके देखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 इंसर्ट हुआ है ओनली, जो स्टूडेंट 4 जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ। हमने दो डॉक्यूमेंट दिया था, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4, बट स्टूडेंट 4 इंसर्ट नहीं हुआ। सो दैट मीन्स ये जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है। तो आपको अगर इंसर्ट वन मेथड यूज में लिया है तो आपको ऑलवेज़ ये फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। तो ये था इंसर्ट वन के बारे में। और अभी नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट मेनी। इंसर्ट मेनी का सिंटेक्स होता है डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मेनी। तो इसमें इंसर्ट मेनी मीन्स लाइक एट ए टाइम हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट मेंशन करेंगे तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स को एरे में लेना पड़ता है। तो एक एरे रहेगा सबसे पहले, और उस एरे के अंदर आप ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पास कर सकते हो। तो ये इसका फॉर्मेट होता है इंसर्ट मेनी का। और इसमें आप अगर सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आप देते हो तो भी आपको उसको एरे के अंदर लेना पड़ेगा। सी, तो ये होता है इंसर्ट मेनी का केस, जिसमें अगर सिंगल डॉक्यूमेंट है तो भी उसको एरे में देना है, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो भी उसको एरे में देना। तो यहाँ पे एरे में मेंशन करना कंपलसरी है। तो अभी एक बार इंसर्ट करके देखते हैं। तो सेम यही ले रहा हूँ मैं, इंसर्ट वन की जगह मैंने इंसर्ट मेनी किया, और यहाँ पे सपोज मैंने 11 दे दिया और यहाँ पे मैंने 12 दे दिया। और फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, लेट्स सी। सॉरी, डॉक्यूमेंट मैप, या तो ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने एरे में नहीं लिखा है दोनों डॉक्यूमेंट को, तो हमें यहाँ पे एरे में लेना है। सो एक्नोलेजमेंट इसका ट्रू है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो एक्नोलेजमेंट में आता है वो भी एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आता है। और इंसर्ट मेनी के केस में यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट आईडीज है वो एक एरे में रिटर्न होती है, क्योंकि इंसर्ट मेनी से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करोगे तो उसकी मल्टीपल डॉक्यूमेंट आईडीज रिटर्न होगी, तो वो एरे फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न होती है। तो अगर इस पर क्वेरी करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमने दिया था स्टूडेंट नंबर 11 11 एंड स्टूडेंट नंबर 12, तो दोनों सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये था इंसर्ट मैनी। इसके बाद में है सिंपल इंसर्ट मेथड। तो सिंपल इंसर्ट मेथड के अंदर यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है, सॉरी, दोनों मीन्स लाइक डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट
इंसर्ट, तो यहाँ पे आप सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाते हो तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट करते हो तो यहाँ पे एरे में मेंशन करना कंपलसरी है। तो सिंगल डॉट में भी आप एरे में मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना एरे के भी आप कर सकते हो। बट अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो आपको उसको एरे में ही लेना पड़ेगा। और एक ये है कि अगर आपने एरे में नहीं लिया और आपने अगर यहाँ पे भी ऐसे दो डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिए, तो इस केस में भी सेम वही है जो इंसर्ट वन में एरर आई थी, कि यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा और सेकंड डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं होगा। तो ये सिंटेक्स हमें नहीं यूज़ करना है, तो या तो ये यूज़ करो या फिर ये वाला यूज़ करेंगे। तो सेम ये इंसर्ट स्टेटमेंट मैंने कॉपी किया, यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू की जगह पे इंसर्ट, और ये 13, ये 14, और लेट्स से सी एंड डी। या तो अगर आप देखोगे तो इसका जो रिटर्न हुआ है, एक तरह से एक्नोलेजमेंट रिटर्न हुआ है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे सभी का डिफरेंट रहता है एक्नोलेजमेंट। यहाँ पे देखो बल्क राइटर रिजल्ट इस फॉर्म में रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो एन इंसर्टेड, यहाँ पे काउंट दिखता है कि कितने रोज इंसर्ट हुई है, तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आईडीज रिटर्न नहीं होती है। रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो स्टूडेंट नंबर 13 एंड स्टूडेंट नंबर 14 दोनों इंसर्ट हो गए। ओके, तो ये हो गया कि इंसर्ट की हेल्प से मल्टीपल डॉक्यूमेंट, और अगर इंसर्ट की हेल्प से आप सिंगल डॉक्यूमेंट भी देना चाहो तो ऐसे दे सकते हो, बिना एरे के भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया 15, लेट्स से ई। यस, राइट रिजल्ट 1। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल होता है तो रिजल्ट इस फॉर्म में आपको दिखता है इसका एक्नॉलेजमेंट, और अगर सिंगल है तो ऐसे राइट रिजल्ट 1, इंसर्टेड रिकॉर्ड काउंट 1, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो स्टूडेंट नंबर 15 इंसर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज़ इट। ये हो गया इंसर्ट मेथड। तो हमने तीनों मेथड कवर किए, इंसर्ट मेथड, इंसर्ट मेनी एंड इंसर्ट वन, ऑल थ्री मेथड्स वी हैव कवर्ड। अभी लास्ट में है कि हमने सिंपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट किया है, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो पॉसिबल किसी फील्ड की पॉसिबल वैल्यूज़ किस किस फॉर्म में हम रख सकते हैं, तो वो एक बार देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल है कि एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट नंबर सपोज 16 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फील्ड होता है तो उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो वैल्यूज़ पर्टिकुलर कुछ टाइप की वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, एंड अनदर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल है कि मार्क्स, मार्क्स या फिर या मार्क्स, यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स होंगे क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो देन उस केस में आप एक एरे ले सकते हो। तो एरे के अंदर यहाँ पे आप मल्टीपल जो भी इंटीजर वैल्यूज है या फिर जो भी इस टाइप की वैल्यूज है ऐसे मेंशन कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज अगर मेंशन करना किसी फील्ड के लिए तो आपको उसको एरे में लेना पड़ता है। एंड नेक्स्ट है, अभी सपोज एड्रेस है, तो एड्रेस यहाँ पे सपोज अगर एक ही एड्रेस है, तो एक एड्रेस है तो मैं उसको एक पर्टिकुलर सब डॉक्यूमेंट में ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल है, मैंने लिया सिटी, सॉरी पुणे, देन उसके बाद में स्टेट लिया मैंने एमएच, या तो ये हो गया अपना एम्बेडेड का केस हो गया, 1-to-1 का, कि वन फील्ड मैप्ड विथ वन डॉक्यूमेंट। तो ऐसे भी हम वैल्यूज ले सकते हैं। और अगर अपने अगर है ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमें इंसर्ट करना किसी फील्ड के लिए, डॉक्यूमेंट मल्टीपल अगर है तो उसको भी हम लिस्ट में ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल है कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर और कुछ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे प्राइमरी कॉन्टैक्ट हुआ और एक सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास में दो डॉक्यूमेंट अगर मुझे इंसर्ट करवाना है तो उसको भी मैं एरे में लूँगा। तो यहाँ पे फॉर्म में ये फॉर्म बताने जा रहा हूँ कि जो फील्ड की वैल्यूज है तो क्या क्या हो सकता है। एक तो पर्टिकुलर कुछ वैल्यू हो सकती है, लिटरल वैल्यू हो सकती है, या फिर कुछ एरे ऑफ वैल्यूज हो सकता है, या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर कुछ एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज रहती है किसी फील्ड की इन दी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉन्टैक्ट टाइप, सपोज ये है प्राइमरी एंड फोन नंबर कुछ भी मैंने दिया, देन ये हो गया मेरा फर्स्ट सब डॉक्यूमेंट। अब सेकंड सब डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करूँगा। ओके, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये कुछ भी वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया इंसर्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गया। अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। या इंसर्टेड, तो एक बार चेक करते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट नंबर 16, तो स्टूडेंट नंबर 16 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। बट यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट रीडेबल नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड के साथ में प्रीटी मेथड कॉल कर सकते हैं। तो प्रीटी मेथड की हेल्प से हम उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो हमारा ये लास्ट डॉक्यूमेंट ये इंसर्ट हुआ है सी। तो यहाँ पे ये हो गया वैल्यू एज लाइक डॉक्यूमेंट एज वैल्यू, एरे वैल्यूज मीन्स लाइक वैल्यूज का एरे, देन यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स का एरे। ओके, तो ये था कि हम मल्टीपल जब फील्ड्स की पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यस कुछ ऑप्शंस रहते हैं जैसे ऑर्डर्ड एंड राइट कंसर्न, तो इनका यूज़ देखेंगे। और या वन मिसिंग थिंग ऑल्सो हेयर, हमने रेफरेंस डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं किया, हमने एम्बेडेड डॉक्यूमेंट तो इंसर्ट कर दिया। तो ये एम्बेडेड का फॉर्मेट जो हमने इंसर्ट किया था वो ये है, और अभी रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट करना है।